बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये देख सकते हैं जो हमारी क्लाइंट है, इनके हेयर्स में कितने ज़्यादा वाइट रूट्स हैं और इनको जो है हम कवर करेंगे गार्नियर हेयर कलर से। ये जो है साशे में आपको आराम से अवेलेबल हो जाता है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा अच्छी शॉप से। बाकी ये कि इसके अंदर दो तरीके से ये शैम्पू हो और डेवलपर और जो है इनका मतलब ये दोनों चीज़ें दिए हुई होती हैं। और इस तरीके से जो है आपको एक टोन पे बाल लेके आने के लिए जो है सबसे पहले आप बाल अपने वेट करेंगे हल्के हल्के। और ये देख सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा रूट्स जो है वाइट हेयर है इनके रूट्स में, और वो काफ़ी ज़्यादा लेंथ पे भी आ गए हैं। तो हमें इस तरीके से हल्के से बालों को जो है गीला करना है पहले, और पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप इस कलर को अप्लाई करेंगे। बाकी इससे इस कलर को शैम्पू की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ग्लव्स ज़रूरी पहनने हैं क्योंकि ये हाथों पे जो है लग जाता है कलर और बहुत मुश्किल से उतरता है। तो इस तरीके से तो यहाँ जो है हमने फुल हेड पे अप्लाई कर लिया था, और फिर इसी ब्रश से इसी कलर को लेंथ तक जो है अप्लाई किया। और बालों को वेट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से हो जाए। देन उसके बाद जो है वेट करना है 35 मिनट, और फिर चेक करना है कि कोई बाल जो है आपका रह नहीं गया, अच्छे से कॉम कर लें। कॉम करने के बाद जो है एमल्सीफाई करें बालों को अच्छे से, और ठीक 35 मिनट या 40 मिनट के बाद जो है आप अपने क्लाइंट को हेयर वॉश करवा दें। सिंपल ये है लास्ट का रिज़ल्ट, और हेयर आगे भी आपके साथ वीडियोज़ शेयर करते रहेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा।